Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आई एम गोना शेयर विद यू गाइज माई ज्वेलरी कलेक्शन. आई थिंक आई डिड दिस वीडियो बैक इन माई वाइट ब्रिक वॉल डेज जहां पर मैंने आपको पूरी अपनी जंक ज्वेलरी कलेक्शन दिखाई थी. एंड दिस टाइम आई एम गोना स्पेसिफिकली फोकस ऑन फाइन ज्वेलरी एज वेल एज कॉस्ट्यूम ज्वेलरी. मुझे ना ऐसा लगता है ओवर द ईयर्स मैं आप लोगों के सामने बड़ी हुई हूँ एंड आप लोग भी मेरे साथ ग्रो तो हुए ही हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस वुमेन इन आर 20s, mid-20s, या if you are reaching 30s, to have our own jewelry collection. I am totally obsessed with jewelry. I love dainty jewelry. I love statement jewelry. Har tarah ki gold, shimmery things. I love all of them. But apart from being beautiful and just elevating your whole look, I feel like jewelry is very important from an investment point of view. मैंने अपनी life में, अपने rainy days में यही देखा है. जो मेरी mom की gold jewelry थी, वो कितना काम आती है. If in case anything goes wrong, so it's very important कि आप धीरे-धीरे करके सस्ती-सस्ती चीजें लेके भी अपनी jewelry collection अपने 20s में 25 के बाद बिल्ड करना स्टार्ट कर लो. आई एम 28 राइट नाउ एंड आई स्टार्टेड बाइंग माय ओन ज्वेलरी एट द एज ऑफ 23-24. हु नोस कभी कौन सा टाइम आ जाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज्वेलरी को एंजॉय भी करो एट द सेम टाइम बी अ लिटिल डिटैच्ड विद इट. बट आई थिंक मैं अपने क्वर्की स्क्वाड को इस वीडियो से यही बताना चाहती हूँ, स्टार्ट बाइंग योर ओन ज्वेलरी, स्टार्ट हैविंग बैकअप, स्टार्ट बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अपार्ट फ्रॉम द फाइन ज्वेलरी, इस वीडियो में कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी होने वाली है जो मैंने सिर्फ अपने पसंद के लिए ली है. इट डजंट हैव टू बी एन इन्वेस्टमेंट, इट जस्ट हैज टू अपील टू मी. इफ आई लाइक इट आई बाय इट and I keep a balance between both. So I hope you guys are excited for it. Without any further ado, let's get started. ओके जी, आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद रिंग्स फर्स्ट. वैसे तो एक ही डब्बा है जो मैंने अमेजोन से मंगाया हुआ है, इसके अंदर मैं अपनी सारी ज्वेलरी रखती हूँ, फाइन ज्वेलरी एज वेल एज अ लिटिल डेंटी जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी होती है वो भी मैं इसके अंदर रखती हूँ बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आई रियली लाइक. दिस इज व्हाट माय ज्वेलरी कलेक्शन लुक्स लाइक. आई थिंक दिस इज सो प्रिटी एंड ग्रे के ऊपर ना चाहे सिल्वर ज्वेलरी हो चाहे गोल्ड ज्वेलरी, वो बहुत अच्छी तरह शाइन करती है. इट मेक्स इट लुक वेरी क्लासी. सो दिस इज द फर्स्ट रिंग राइट हियर. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ लाइन रिंग जो कि वेव फॉर्म में है. आई रियली लव्ड ऐसे टाइप की डेंटी ज्वेलरी. अभी मुझे डेंटी रिंग्स बहुत पसंद है एंड रिंग्स इन जनरल आई एम अ फैन ऑफ. सो ये वाली इज द ओनली रिंग जो मेरे मॉम डैड ने मुझे लेके दी थी ऑन माय बर्थडे. आई डोंट रिमेंबर कौन से बर्थडे पे. दैट वाज माय अवेकनिंग के गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी कितनी ज्यादा प्रिटी होती है एंड आई जस्ट रियली रियली लाइक इट. दिस रिंग इज फ्रॉम कस्तूरी ज्वेलर्स जो मेरी मम्मी हमारे खानदान या हमारी फैमिली के पर्सनल ज्वेलर्स करके है. लाइक हमें कुछ भी चाहिए होता है हम सबसे पहले उनके पास ही जाते हैं. इसके अंदर 13 डायमंड्स हैं एंड पीछे इसकी गोल्ड रिम है व्हिच आई रियली लाइक. इसको मैं ज्यादातर अपनी रिंग फिंगर में पहनती हूँ एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. वेरी डेंटी, वेरी प्रिटी. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव दिस रोज गोल्ड रिंग राइट हियर. इतना पास से ना पता नहीं चलता है कि रोज गोल्ड है या गोल्ड है एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग. जब मैंने पहली बार इस रिंग को देखा था मुझे बहुत प्यारी लगी थी. बाय द वे इट्स फ्रॉम मिया बाय तनिष्क एंड दिस इज सो प्रिटी. इसके अंदर बहुत डेंटी छोटे छोटे टाइप के डायमंड्स लगे हुए हैं. जितने भी रिंग्स में डायमंड्स होते हैं ना वो ज्यादातर 18 कैरेट या 14 कैरेट गोल्ड में ही मिलती हैं. सो कस्तूरी ज्वेलर की जो मेरी पहली रिंग थी वो 18 कैरेट गोल्ड में थी क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ज्वेलर से जाके ली थी. बट ये जो तनिष्क टाइप के ब्रांड होते हैं जो कैरेट लेन या बाय तनिष्क बनाते हैं वो ज्यादातर 14 कैरेट में रखते हैं. सो दिस वाज वेरी इनएक्सपेंसिव. दिस वाज द फर्स्ट रिंग दैट आई गॉट. आई रिमेंबर आई वाज आउट विद शांत समवेयर एंड आई जस्ट रियली आई वाज लाइक मुझे एक रिंग लेनी है. सो ही वाज लाइक लेट्स गो एंड हम गए. उसने मेरी बहुत हेल्प की. लाइक मोस्ट ऑफ माय रिंग्स मैंने आई डोंट नो व्हाई ईशान के साथ बाय की हुई है एंड वो हमेशा ना ऐसे हेल्प करता है मुझे डिजाइन वगैरह पिक आउट करने में. इट्स रियली स्वीट. सो दिस वाज द फर्स्ट रिंग दैट आई गॉट फ्रॉम माय ओन मनी. नाउ आई रियली डोंट लाइक द डिजाइन. लाइक इतना ज्यादा मैं फॉन्ड नहीं हूं इसके बिकॉज ये इंटेल का थोड़ा साइन या लोगो लगता है. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई लव दिस रिंग एंड इसको मैंने बहुत पहना है. जस्ट एवरीथिंग जो आपको वो पेपर मिलता है ना उसमें सारी इन्फॉर्मेशन गोल्ड की कितने कैरेट का है, उस टाइम पे क्या रेट चल रहा है, सब कुछ अच्छे से लिखवा के लेना चाहिए ताकि जब आप उसको बाई चांस सेल करने जाओ या फिर इनकेस अगर आप एक रिंग से बोर हो गए आपको उसको स्विच अप करना है, एक्सचेंज करना है, तो आप जाके अपने ज्वेलर को दे सकते हो एंड देन दे विल इवेल्यूएट इट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने फैक्ट सारे अच्छी तरह से पता हो ताकि यू कैन जस्ट सी कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है और कितने आपको पैसे ऐड करने अपनी नई ज्वेलरी पीस लेने के लिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिंग जिसके मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है. व्हेनेवर आई वेयर इट, व्हेनेवर आई गेट नेल्स डन एंड उसमें जब मैं दिखा रही होती हूँ अपने नेल्स, नो वन केयर्स अबाउट द नेल्स, एवरीवन इज अबाउट आपने ये वाली रिंग कहाँ से ली. सो दिस इज द रिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स वेरी प्रिटी. इसमें ना साइड में कुछ ऐसे लीफलेट से बने हुए हैं एंड दोनों साइड से जुड़ रही है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रिंग इज दैट इसको आप अपने साइज के हिसाब से ना थोड़ा खींच सकते हो, थोड़ा बंद कर सकते हो. सो इन केस आई वॉन्ट टू वेयर इट इन माई मिडिल फिंगर लाइक दिस तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके पहन सकती हूँ. नाउ दिस रिंग इज
इज फ्रॉम कैरेट लेन. ऑफ लेटली मुझे मियां बाय तनिष्क से ज्यादा कैरेट लेन के डिजाइन पसंद आने लगे हैं. सो बाकी की रिंग्स भी जो आप देखोगे वो ज्यादातर कैरेट लेन की निकलेगी बिकॉज देयर डिजाइन आर सो डेंटी. दिस गिव्स मी अ वेरी रोमांटिक कलियों वाली वाइब. सो आई लव 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 टू वेयर इट एंड इन फैक्ट आई वेयर इट. आज मैंने कोई भी रिंग नहीं पहनी थी बिकॉज आई थॉट एज आई गो थ्रू इट आई विल कीप वेयरिंग द रिंग्स दैट आई लाइक. जो मियां है या फिर कैरेट लेन है देर ऑल अ तनिष्क पार्टनर. सो तनिष्क ने अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस डेंटी ज्वेलरी की हम जैसी गर्ल्स के लिए निकाली हुई है जो कि अफोर्डेबल रिंग्स चाहती हैं एंड डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती. ओके अनदर रिंग दैट आई गॉट फ्रॉम कस्तूरी ज्वेलर्स इज दिस वन राइट हियर. ये मैंने इस पे प्रॉपर व्लॉग बनाया था बिकॉज आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट बड़ी महंगी वाली डायमंड रिंग दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ. एंड आई थिंक ये धनतेरस पे मैंने 2020 या 2021 में ली थी. ये ना सॉलिटेयर का लुक देती है बट इट्स एक्चुअली नॉट सॉलिटेयर. लाइक ये बीच में आपको लगेगा कि बड़ा डायमंड है बट वेन यू लुक क्लोजली इसके अंदर 5-6 डायमंड अलग से एक फ्लावर शेप में रखे गए हैं जिससे एक बड़े डायमंड का इसमें इफेक्ट मिलता है. देन इट हैज अ सर्कल अराउंड इट. उसमें भी साइड में यहाँ पे और यहाँ पे डायमंड लगे हुए हैं बट आई एम गोना टेल यू गाइस अगर आप ऐसी एलिवेटेड सी मोटी रिंग्स लेते हो जिसमें छोटे छोटे डायमंड्स होते हैं इट्स वेरी वेरी इजी कि इनमें से कोई भी छोटा डायमंड निकल जाए. सो फार आई हैव लॉस्ट 2 डायमंड्स. एंड ये वाली रिंग आई रिमेंबर बहुत महंगी थी सिंस इट हैड सो मेनी डायमंड्स. आई थिंक दिस वॉज फॉर 59,000 or 62,000-63,000 तक की पड़ी होगी ये. वी ऑलवेज ट्राई के कस्तूरी ज्वेलर में जाके थोड़ा सा डिस्काउंट मेकिंग पर डिस्काउंट मांग ले. मैं बहुत छोटी होती थी जब से मेरी मम्मी वहां जाके छोटी मोटी चीजें लेती आई है एंड कस्तूरी ज्वेलर्स जो अंकल जो मेन वहां डेस्क पे बैठते हैं ना दे वर द ओनली वंस जिनके पास मेरी मम्मी ट्रस्ट करके गई थी जब उन्हें गोल्ड बेचना था. एंड वी सोल्ड ऑल आर गोल्ड टू कस्तूरी ज्वेलर्स ऑल्सो. एंड नाउ वेन वी गो देयर एंड वहां से हम चीजें अपनी और बनाने जाते हैं एंड दे सी अस कि हम और चीजें ले रहे हैं सो आई नो कि उनको भी बहुत अच्छा फील होता है बिकॉज दे हैव सीन आर जर्नी. एंड दैट इज वाई आई कीप मेंशनिंग कस्तूरी ज्वेलर्स. इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप इट्स नॉट बार्टर दे आर रियली अ पार्ट ऑफ आर एवरीडे लाइव्स एंड व्हेनेवर वी नीड सम कूल एज ज्वेलरी. नेक्स्ट रिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज फ्रॉम सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स. दिस वन इज अ वेरी प्रिटी रिंग जिसमें बहुत सारे लीव्स लगे हुए हैं. सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स की मेरे पास कोलैबोरेशन आई थी. इट वाज अ पेड कोलैबोरेशन. आई गॉट पेड टू प्रमोट देयर स्टोर एंड दे इनवाइटेड मी टू देयर स्टोर एंड दे वर लाइक के इतना आपको बजट दिया जाएगा इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो लाइक यू विल गेट वन पीस फ्रॉम आर कलेक्शन. सो आई शेयर्ड दिस आइडिया विद माई डैड एंड माई डैड वॉज लाइक ठीक है एनिवर्सरी भी पास आ रही है सो वी वेंट देयर विद होल फैमिली. एंड मेरी मॉम ने अपने लिए बहुत सुंदर डायमंड इयररिंग सिलेक्ट किए थे विच वॉज लाइक अ कोलैबोरेशन ऑल्सो एंड अ गिफ्ट फ्रॉम माई डैड टू माई मॉम बिकॉज दोज इयररिंग्स वर एक्सपेंसिव. हमारा कूपन के ऊपर बजट पहले से ही चला गया था. हमें खुद से भी पैसे देने लगे थे बिकॉज वी आर जस्ट ज्वेलरी लवर्स इन दिस हाउस. सो वी वर लाइक ठीक है मम्मी आप ये इयररिंग्स ले लो. एंड देन व्हेन आई वाज लुकिंग एट देयर रिंग्स कलेक्शन मुझे ये वाली रिंग बहुत पसंद आई थी एंड आई वॉज लाइक आई एम नॉट रेडी टू लेट दिस गो. मैंने इसके लिए अपने आप से पे किया था एंड दैट इज वाई दिस रिंग इज सो 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 फ्रिकिंग क्यूट. दिस इज नॉट लाइक अ डेंटी रिंग फॉर श्योर क्योंकि ये काफी मोटा बैंड टाइप का लगती है बट एज इट इज अगर आप इसको ऐसे पहनो ना तो ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगने लगती है. सो दिस रिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट. ये वाली रिंग मेरी मॉम को भी बहुत पसंद आई थी पर्सनली. सो मेरी मम्मी और मैं इसको स्विच करते रहते हैं. दीस डेज शी इज वेयरिंग दिस रिंग बिकॉज मैं ज्यादातर आजकल ना बहुत पतली पतली रिंग्स पहनने लगी हूं. आई एम नॉट इनटू लाइक सुपर बोल्ड ज्वेलरी दीस डेज. सो दिस इज द रिंग दैट आई गॉट फ्रॉम कस्तूरी ज्वेलर्स एंड दिस इज अ रेप्लिका ऑफ द कार्टियर लव रिंग. सो आई रियली वॉन्टेड अ बोल्ड रिंग. उस टाइम मुझे ऐसी मोटी स्टेटमेंट रिंग्स का बहुत शौक था एंड आई शोड देम डिजाइन के अगर आप ऐसी वाली रिंग बना सकते हो एंड दे वर लाइक यस वी कैन. सो उन्होंने मुझे ये बना के दी थी बट दे एडवाइस मी कि आप इसमें एक डायमंड डलवा लो और ज्यादा अच्छा लगेगा लाइक इन केस यू वांट टू वेयर देम फॉर फैंसी ओकेजंस. सो ये भी मैंने अपनी मिडिल फिंगर के लिए बनाई थी क्योंकि उस टाइम मैं यहीं पे पहनती थी सब कुछ. सो दिस इज व्हाट द रिंग लुक्स लाइक. वेरी प्रिटी वेरी बोल्ड. बहुत ही ज्यादा इसमें गोल्ड है. भारी रिंग है ये. एंड देन अगर मुझे स्विच करनी है थोड़ी थिंग्स अप आई वांट टू मेक इट मोर फैंसी देन आई कैन वेयर इट विद द डायमंड राइट हियर इन द मिडिल. बट आजकल फिर मैं ये नहीं पहन रही हूं बिकॉज आई एम ऑन बाइंग अ कार्टियर लाइक द ओरिजिनल रिंग. सो इसलिए मैं इसको कम पहन रही हूँ. मेरी मम्मी इसको ज्यादा पहन रही है. जितनी भी मेरी मोटी रिंग्स थी वो ज्यादातर अब मम्मी को चली गई है. नेक्स्ट रिंग इज समथिंग दैट आई गॉट ऑन माय लास्ट टू लास्ट बर्थडे. दिस इज फ्रॉम बियॉन्ड लारिसा. दिस इज सच अ प्रिटी रिंग. इट वॉज ऑन माई विश लिस्ट एंड आई जस्ट रियली रियली लव्ड दिस टाइप ऑफ अ लिंक डिजाइन. ऐसा लग रहा है कि कुछ चेन बांधी हुई है यहाँ से एंड आई लव 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 दिस. दिस इज एन इन्फ्लुएंसर लेड ब्रांड. ये लारिसा डिसा का ब्रांड है एंड आई एम इन लव विद हर डिजाइंस. इतने प्यारे डेंटी बिल्कुल क्यूट से डिजाइंस होते हैं एंड दे आर जस्ट सो यंग एंड यू जस्ट वॉन्ट टू हैव दम इन योर कलेक्शन. आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट आई एम एबल टू वेयर दिस गिफ्ट. अनदर रिंग दैट आई रियली लव इट्स नॉट डायमंड्स इट्स अ क्रिस्टल ज्वेलरी जो कि स्वरोस्की की होती है. सो दिस इज द वन दैट आई गॉट. मुझे ना इसका ऐसे एंगेजमेंट रिंग सॉर्ट ऑफ स्टाइल लग रहा था एंड आई जस्ट रियली वॉन्टेड
वॉन्टेड समथिंग. मैं जब से बच्ची थी ना तब से मुझे ऐसे सॉलिटेयर, डायमंड एंड एंगेजमेंट, बड़े बड़े जो रॉक होते हैं ना वो वाले रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है. इधर आई एम अ फुल ऑन डेंटी गर्ल, बिल्कुल पतले बैंड वाली नहीं, तो मुझे सबसे बड़ा रॉक चाहिए दुनिया में. एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट अफोर्ड इट, सो व्हेन आई वेंट टू स्वरोस्की आई रियली लाइक दिस डिजाइन. आई हैड अ होल फेज इन माई लाइफ जब मुझे स्वरोस्की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद थी. इसके अंदर एमरल्ड कलर का स्टोन है, इट्स नॉट अ रियल एमरल्ड एंड दीज आर नॉट रियल डायमंड्स, दीज आर क्रिस्टल्स. स्वरोस्की ज्वेलरी में क्रिस्टल्स यूज होते हैं. बट ऑफ कोर्स अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो जो ये स्वरोस्की ज्वेलरी है ना वो कोई आपको ऐसे रिटर्न वगैरह नहीं देगी. सो द चॉइस इज योर्स. अगर आप एक बिल्कुल पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लेना चाहते हो, गो टू योर ज्वेलर, गो टू तनिष्क वगैरह. बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ी मोटी ऐसी चीजें भी हो मेरी सिर्फ पसंद की, सो आप स्वरोस्की देख सकते हो. नाउ दिस इज द लास्ट रिंग एंड द मोस्ट रिसेंट रिंग दैट आई गॉट. आई थिंक आई गॉट इट इन मार्च एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंटी रिंग. लाइक दिस इज फ्रॉम कैरेट लेन एंड ये बहुत ज्यादा पतली है एंड दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं थी. बट आई लव इट. मुझे ऐसे वेव वाले डिजाइन, आपको पता ना मेरी फर्स्ट रिंग भी ऐसे वेव वाली थी एंड इसमें कुछ ज्यादा ही वेव्स हैं और उस वेव के बीच में जो कर्व्स हैं वहां पे छोटे 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 डायमंड्स लगे हुए हैं एंड आई लव दिस रिंग. लाइक व्हेन आई वेयर इट, मैंने इसको अपनी मिडिल फिंगर के लिए लिया था ताकि मेरी ऐसे डेंटी सी कलेक्शन बन जाए. सो दिस इज द स्टैक दैट आई हैव ऑन राइट नाउ. गोल्ड इयर रिंग्स मेरे पास बहुत कम है एंड आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस दिस वन थिंग दैट आई हैव. ये काफी सुंदर डेंटी सी इयर रिंग्स हैं जो मैंने अपने बर्थडे पे ली थी. आई टोल्ड यू गाइस आई लव टू गिफ्ट माई सेल्फ गोल्ड और डायमंड ऑन माई बर्थडे. सो ये कस्तूरी ज्वेलर्स की है एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी शॉक्ड बिकॉज कस्तूरी ज्वेलर्स की जो इयर रिंग कलेक्शन है वो ज्यादातर लेडीज को केटर करती है जिनको बड़े मोटे डिजाइन शादियों में पहनने के लिए या फिर इवन इफ एवरी डे लाइफ तो बालियां टाइप की होती है. दिस इज अ ताला चाबी सॉर्ट ऑफ इयर रिंग एंड इसमें ताले को अगर मैं फ्लिप करूँ आपको दिखेगा यहाँ पे ढेर सारे डायमंड्स लगे हुए हैं ताले में, विच इज वॉट आई लाइक. एंड अगर ये पीछे मुड़ भी जाए तो साइड में डायमंड्स की एक पूरी रो दिखती है एंड देन यहाँ पे प्यारी सी चाबी है जिसके ऊपर ऐसे हार्ट बना हुआ है एंड दिस इज सो फ्रिकिंग क्यूट. दिस आई एम सेविंग फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडेज या फिर पार्टीज एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैं इनको बहुत कम पहनती हूँ. अगेन ये जो ऊपर का भी पार्ट है ना टॉप में वहां पे भी डायमंड्स लगे हुए हैं. सो दीज वर ऑल्सो एक्सपेंसिव, दीज वर नॉट द मोस्ट अफोर्डेबल बट आई रियली लव्ड गिविंग और गिफ्टिंग देम टू माई सेल्फ एंड विद अ क्लासी आउटफिट ये इयर रिंग्स बहुत ज्यादा आपके लुक को एलिवेट करते हैं. दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई हैव एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट मी एंड माई मॉम शेयर. दिस इज अ गोल्ड चेन. आपने मेरे को इसको बहुत कम ही पहनते देखा होगा बट आई लव दिस डिजाइन. इसमें गोल्ड और रोडियम का काम है एंड आई एम इन लव विद टू टोन ज्वेलरी स्पेशली इन चेन्स एंड जो आप गले में पहनते हो ना उसमें अगर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों हो तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है एंड देन यू डोंट हैव एन इश्यू कि अगर आपने कोई बैग लिया जिसका हार्डवेयर सिल्वर हो या गोल्ड हो इट विल गो विद एवरीथिंग. बट इफ यू लुक क्लोजली इसमें प्यारे प्यारे ऐसे मोती 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 टाइप के गोले बने हुए हैं. इट्स नॉट लाइक योर चेन बिल्कुल ऐसे फ्लैट में. सो आई रियली लाइक दिस अबाउट इट एंड इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. समटाइम्स आई जस्ट लाइक टू स्टैक इट ऐसे करके. इट लुक्स सो फ्रिकिंग कूल एंड क्लासी. दिस इज नॉट फ्रॉम अ ब्रांड पर से. ये बहुत पुरानी चेन है एंड आई थिंक हमने हरिनगर में कोई ज्वेलर जिनका मुझे नाम भी नहीं याद वहां से ली थी. बट इट्स अ वेरी कॉमन डिजाइन. आप किसी के भी पास जाओगे ऐसे टाइप की चेन्स वगैरह आप बनवा सकते हो. सो वी हैव टू पीसेस ऑफ कार्टियर राइट हियर. कार्टियर लव बैंगल. आई एम इन लव विद दिस. आई एम इन लव विद द पैकेजिंग. एवरीथिंग इज सो लक्स सो क्यूट. कार्टियर की जो ज्वेलरी होती है स्पेशली दीज बैंगल्स दे कम इन 18 कैरेट गोल्ड एंड देन इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है बिकॉज दिस इज अ लिटिल टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ वेयरिंग. यहाँ पे एक इलास्टिक सा होता है जिसको आपको पुल करना है एंड देन द बैंगल रिलीजेस फ्रॉम हियर. इसमें एक क्लासिक वन भी आता है जो काफी मोटा होता है. आई हैव द स्मॉल वर्जन ऑफ इट. सो दिस is what the small bangle looks like and I have been wearing it for one and a half year now and you guys can actually see ke isme kitne zyada scratches lage hue hain. So if it's something that bothers you, scratches bother you, don't go for this. Agar aapke paas paise ho bhi don't go for this because I would just like to show ke isme kitne zyada scratches lage hain. Especially when I wear it jo side niche ko hoti hai na, like it scratches the surface and then you can see big fat scratches right here but upar wali side maine acche se maintain karke rakhi hai. This is quite plain and cute. So the classic mota वाला बैंगल होता है ना उसमें दोनों साइड स्क्रूज होते हैं. आपको स्क्रू लेके इसको खोलना पड़ता है. देन यू नीड अनदर पर्सन जो आपको पहना के ना दोनों स्क्रू करे. आई मीन हु हैज टाइम फॉर इट. सो द बैंगल लुक्स समवॉट लाइक दिस. नीचे से ये जुड़ा हुआ है एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बैंगल बिकॉज इसको मैं आराम से खुद ही लॉक अनलॉक कर सकती हूँ एंड आई कैन जस्ट वेयर इट व्हेनेवर आई वांट अपनी खुद की चॉइस से. एंड वंस इट गेट्स लॉक्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू जस्ट
ओपन दिस विदाउट ब्रेकिंग इट. सो ये आप रोज पहन सकते हो, इट वोंट टार्निश बिकॉज इट्स रियल गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, एंड देन यू कैन जस्ट वेयर इट एज इट इज. सो दिस ईयर आई बॉट माई ओन ड्रीम कार्टियर बिकॉज दिस वॉज द वन जिसपे मेरी बहुत टाइम से नजर थी. इसके ड्यूब्स उस टाइम मार्केट में नहीं आते थे, अब तो हर तरह के कार्टियर के ड्यूब्स आने लगे हैं. जस्ट इन क्लू आई हैव बॉट इट इन स्मॉल ओनली बिकॉज इसके साथ फिर वो बड़ा वाला नहीं जाता. अगेन जो क्लासिक जस्ट इन क्लू है बड़ा वाला, वो डिफरेंट तरह से खुलता है. आई थिंक आपको इसमें से वो कैप निकालनी होती है, देन उसको टिक करके एडजस्ट करना होता है. बट आई डोंट नो व्हाट दे पुट इन हियर. ये वाला बिल्कुल ऐसे स्ट्रेचेबल टाइप का गोल्ड है एंड आई एम जस्ट सो लाइक, इसको आप पूरा ट्विस्ट कर लो, ये टूटता नहीं है. दिस इज सो इजी टू वेयर द स्मॉल वन. इसमें आप अपनी बाजू ऐसे अटकाओ एंड इसको ऐसे करके पहन लो. इट जस्ट लुक्स सो फ्रिकिंग प्रिटी. आई लव टू स्टैक माई कार्टियर्स लाइक दिस एंड ये मेरा परफेक्ट स्टैक है. इसके साथ मैं कुछ नहीं पहनती, मे बी अ लिटिल लाइक छोटा सा डेंटी और ब्रेसलेट इफ आई एम फीलिंग टू फैंसी. आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट इट इन द डायमंड डिजाइन. पहले मैं प्लेन लेने वाली थी बट आई डोंट नो, ये दोनों साथ में अच्छे नहीं लग रहे थे एंड आई एम ऑल अबाउट द ब्लिंग. इतने भी कार्टियर के ब्रेसलेट्स एंड बैंगल्स हैं, ये व्हाइट गोल्ड में होते हैं, गोल्ड में होते हैं एंड रोज गोल्ड में होते हैं. एंड एक्चुअली उनका जो रोज गोल्ड है वो कार्टियर ने पेटेंट करा हुआ है कि वैसी शेड और कोई ब्रांड नहीं कॉपी कर सकता. नाउ आई डोंट नो किसी ने किया है नहीं किया है, बट आई रियली लव गोल्ड. मैं ज्यादातर गोल्ड ज्वेलरी ही पहनती हूँ एंड रोज गोल्ड कम पहनती हूँ. देयर वाज अ टाइम आई वाज ऑब्सेस्ड विद रोज गोल्ड जब नया नया ट्रेंड चला था, बट मोस्टली आई फील लाइक गोल्ड इज क्लासी, इट्स just timeless. So once I am done with all my responsibilities of getting a car, getting a house, उसके बाद मुझे क्या करना है अपने पैसे के साथ, if I want to invest, if I want to splurge on luxury, I try to maintain a balance. This is my favorite neck piece of all times because आप इसको एक chain की तरह पहन सकते हो but you can also wear it as a choker. जिसको अगर आप ऐसे खींचोगे तो ये और ज़्यादा tight होती जाएगी and you can just adjust the length of it. One more reason this chain is special to me is because this was a gift from Ishan. This was not self-bought and I really love when people give me jewelry as gifts. Not to say कि मुझे महंगे gifts ही चाहिए, but when someone makes an effort to buy you very pretty jewelry, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. Another gifted Swarovski jewelry is this one right here. ये भी crystals हैं, but this has a Leo zodiac sign right here. I love this so much. And इसका जो end है, वो भी इतना प्यारा है. It has this open end right here, जिसके अंदर आपको डंडी घुसानी पड़ती है, and it's just locked. थोड़ा सा इसके साथ careful रहना पड़ता है, but I just love कि यहाँ पे ना भी एक छोटा सा ऐसे सूरज टाइप का पेंडेंट दिया हुआ है. ये भी एज अ पेंडेंट नीचे बहुत प्यारा लगता है. सो आई जस्ट कीप स्विचिंग बिटवीन दीज टू, या फिर इनको साथ में आप ऐसे स्टैक करके भी पहन सकते हो. दे ऑल्सो लुक वेरी नाइस. सो आई एम इन लव विद दिस एंड इन जनरल जो भी स्वरोस्की की जोडियक साइंस की कलेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा प्रिटी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिल्वर ज्वेलरी जो मेरे पास है. मेरे पास काफी कम कलेक्शन है उसकी, बट एवरीथिंग दैट आई हैव आई लव बिकॉज इट्स सो प्रिटी. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव एंड रिसेंटली मैंने ली है, इट्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड लिकला. नाउ व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस वेबसाइट इज अ ड्यूप ऑफ द वैन क्लीव एंड आरपेल्स मदर ऑफ पर्ल्स इयर रिंग्स एंड ब्रेसलेट वगैरह, वो पूरा होता है. बट आई डेंट वॉन्ट कि बिल्कुल एग्जैक्ट ड्यूप हो, सो आई जस्ट वॉन्टेड एन एलिमेंट ऑफ इट. एंड आई डोंट नो इफ यू गैज हैव सीन और नो अबाउट वैन क्लीफ एंड आरपेल्स, बट इट्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया. कभी मैं बाहर गई ना विदेश की ट्रिप पे तो मैं जरूर लेके आऊंगी बिकॉज इट्स लाइक थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में है एंड मैंने अब थोड़ी लग्जरी चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी स्टार्ट कर दी है. एंड आई लव दैट इसके अंदर स्टर्लिंग सिल्वर है. वैन क्लीफ एंड आरपेल्स का ना सिग्नेचर ऐसे क्लोव लीफ वाला डिजाइन है एंड इट लुक्स सो प्रिटी. आई रियली लाइक दिस बिकॉज इट्स सुपर डेंटी. इसको मैं अपने कार्टियर्स के साथ भी स्टैक करूँ ना तो बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगता है. एंड बहुत पतली चेन है इसकी, सो इट डजंट लुक टू मच, बट एट द सेम टाइम इट जस्ट गिव्स अ वेरी प्रिटी फील. एंड बाकी साइड्स के मुकाबले इनकी ज्वेलरी काफी ज्यादा अफोर्डेबल थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट. देन स्टर्लिंग सिल्वर में आई हैव दिस प्रिटी नेक पीस राइट हियर, जिसके अंदर मून स्टोन डला हुआ है एंड आई एम इन लव. दिस इज ऑल्सो सिल्वर एंड ये वक्त के साथ साथ थोड़ा काला पड़ गया, बट इसको मैं जल्दी से पॉलिश करा लूंगी. दिस इज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड द सोल हार्बर. आज भी मैंने एंटी टार्निश नकली ज्वेलरी पहनी है, जिसके अंदर बहुत प्यारा सा हार्ट है फ्रॉम एलीट जूल. सो आई एम इन लव विद सच पीसेज एंड दैट इज वाई द सोल हार्बर प्रोवाइड्स वेरी क्यूट क्रिस्टल ज्वेलरी. अगर आपको क्रिस्टल्स में बहुत ज्यादा शौक है, अलग अलग तरह के रोज क्वार्ट्ज की, मून स्टोन की एंड पेरीडॉट वगैरह सब तरह की, एमिथिस्ट, सबकी ज्वेलरी उनके पास है, ब्रेसलेट से लेके रिंग से लेके नेक पीसेस तक. सो दिस इज माई मोस्ट फेवरेट पीस. ओके लेट्स मूव ऑन टू लग्जरी ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी. काफी छोटा सेगमेंट, काफी शॉर्ट सेगमेंट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव राइट हियर इज फ्रॉम टिफनी एंड को. दिस वॉज अगेन ऑफ कोर्स अ गिफ्ट. सो दिस इज द टिफनी एंड को ब्लू हार्ट बीड ब्रेसलेट. दैट वॉज अ टंग ट्विस्टर. इतने सारे बी थे, बट दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. ये टाइम के साथ साथ काला हो गया है, बट आई वुड से द अमाउंट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी दैट आई हैव, उन सब में से सबसे लेट ये काला पड़ा है. इट टुक मी लाइक 2 years टू मेक इट दिस ब्लैक एंड आई हैव टू गो टू चाणक्य मॉल इसको पॉलिश कराने. इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है, गारंटी होती है. सो यू कैन जस्ट गिव देम, वो आपको पॉलिश करके एज गुड एज न्यू वापस दे देंगे. एंड आई लव द टाइनी पैकेजिंग. इतनी प्यारी सी पैकेजिंग में आता है विद दिस
राइट हियर एंड इसके अंदर भी एक बहुत प्यारा सा ऐसे कपड़ा सा बटर पेपर दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी ना अच्छे से रैप करके रख सकते हो. सो आई एम गोना गेट इट पॉलिश सून एंड देन आई थिंक आई एम गोना स्टैक इट विद माय कार्टियर्स. बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा. अगेन टू टोन ज्वेलरी, सिल्वर एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. नाउ वी आर मूविंग टू शनेल एंड दीज आर अ पेयर ऑफ इयररिंग्स दैट आई हाईली लव. आई हैव वोर्न देम ऑन ऑल द स्पेशल प्लेसेस एंड ये कुछ ऐसे दिखते हैं. द क्लासिक सीसी शनेल वाले जो डिजाइन है उसके नीचे एक प्यारा सा स्टार लगा हुआ है. दे आर सो डेंटी बट सो प्रिटी. दिस इज नॉट डायमंड्स, दे आर क्रिस्टल्स एंड दिस इज वॉट दे लुक लाइक. तभी मैं इनको कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बोलूंगी, दे आर नॉट फाइन ज्वेलरी. आई थिंक वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पीस राइट हियर कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का. दिस इस पे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी भाई. मैंने जब शॉर्ट डाला था एवरी वन वॉज लाइक तुमने इतने महंगे इयररिंग गोल्ड के भी नहीं है, क्यों लिए क्यों लिए. इट्स बिकॉज आई वॉन्टेड देम सो आई गॉट देम. लव लव लव, कितना सुंदर इसके साथ ऐसा पाउच मिला है. एंड वेन यू ओपन इट यू गेट दीज वेरी प्रिटी एलवी हुप्स. एंड देन वन रैंडम डे आई मेट विशाखा एंड उसको भी ये लेना था एंड आई वॉज जस्ट लाइक लेट्स गो टूगेदर, लेट्स बाय आर एलवी हुप इयररिंग्स एंड फुलफिल आर ड्रीम्स. सो दीज आर द इयररिंग्स दैट आई गॉट. दिस इज कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, इट इज नॉट गोल्ड बट दिस वॉज फॉर 49,000. इफ एनी वन हैज अ प्रॉब्लम विद इट, दैट इज योर प्रॉब्लम. मुझे तो बहुत पसंद है, मैं पहन के बहुत एंजॉय करती हूँ. लाइक एलवी लिखा हुआ है किसी ब्रांड का नाम है, आई डोंट माइंड दैट. दे आर अ स्टेटमेंट पीस एंड दे आर टू मेक अ स्टेटमेंट एंड दे मेड अ स्टेटमेंट. अगर मैं स्टेटमेंट पीस लेती हूँ देन आई लाइक टू गो बिग. सो दिस इज वॉट आई गॉट, दिस इज अ लास्ट पीस. आई एनी वे डोंट रियली अंडरस्टैंड कि इफ एन इन्फ्लुएंसर इज कमिंग फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड एंड वो अगर आपको अपने प्राडा लुई विटों के बैग शो कर रहे हैं, सिंस दे कम फ्रॉम अ रिचर बैकग्राउंड सो यू वुड थिंक कि हाँ हाँ ये तो लेंगे, इनका काम ही है लेना. एंड दे डोंट गेट दैट मच फ्लैक जो कि हम जैसे क्रिएटर्स को मिलता है जो जीरो से एकदम ऊपर उठे अपनी मेहनत से. एंड इतनी बड़ी उसके बाद जर्नी और मेहनत के बाद अगर हम खुद के हार्ड अर्न मनी से कुछ भी लेना चाह रहे हैं सो वाई डू वी गेट मोर फ्लैक देन पीपल हु कम फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड. आई डोंट रियली अंडरस्टैंड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर बिकॉज आई नो कि ऐसी वाली जो वीडियोज होती हैं दे गेट अ लॉट ऑफ जजमेंट कि तुम शो ऑफ कर रही हो, तुम अच्छे से अपने पैसे नहीं यूज कर रही हो, तुम अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हो, तुम वेस्ट कर रही हो एंड क्या तुम ब्रांड्स के पीछे पड़ी हो, क्या तुम ज्वेलरी के पीछे पड़ी हो. बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो एंड में आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इट्स नॉट अ डिस्क्लेमर, इट्स क्या बोलते हैं उसको, फुल स्टॉप दैट आई एम पुटिंग ऑन इट. इट इज माई चॉइस ऑफ वॉट आई डू विद माई मनी एंड आई चोज टू इन्वेस्ट इट एंड आई चोज टू स्प्लर्ज ऑन इट. एंड देर इज नथिंग रॉन्ग विद मेकिंग योर सेल्फ फील बेटर विद द थिंग्स दैट यू लाइक. एंड अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहता है आई वुड मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू दैट कॉमेंट विदाउट गेटिंग ऑफेंडेड. ऑल्सो जो लोग प्यार देना चाहते हैं वो खूब दें. अगर आपको जंक ज्वेलरी कलेक्शन का या फिर एंटी टार्निश नकली जो फेक ज्वेलरी होती है जो कि टार्निश नहीं होती है पानी परफ्यूम वगैरह से उसकी कलेक्शन चाहिए, आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू गाइज और मे बी आई कैन मेक a short video for you guys. So that is it for today's video. Please like kar dena is video ko, comment karke batana which was your favorite piece or which is your dream piece that you would like to buy someday. Agar aap mere channel pe new ho please subscribe. I upload a new video every Tuesday every Friday subah subah 11 baje. Shorts bhi lagbhag roz hi 11 baje upload ho jate hain and I will see you guys next time. Bye bye.